हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका का संविधान। और अमेरिका के संविधान में हमने इस बात को पढ़ लिया था कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी जान चुके हैं कि वहाँ का जो शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत है वो बहुत ही अधिक प्रभावी सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत की कुछ जो संविधान में लिखित बातें हैं उन्हें हम कल हमने पढ़ लिया था। ऑडियो के माध्यम से मैंने एक चार्ट बनाया था शॉर्ट में, जो उसका लेवल थोड़ा हाई है, वो एमए लेवल का है, लेकिन हमने पढ़ाई के हिसाब से उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि एक बड़ा सिद्धांत है और इसमें कई सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आपको छोटे रूप में बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने चार्ट और ऑडियो की व्यवस्था की थी। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक वही है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हमने जान चुके हैं कि जो शासन सुविधा के लिए शासन के प्रकार को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के लिए अमेरिका में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तीनों को अलग अलग रूप से पृथक पृथक किया गया है, ताकि तीनों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे और प्रत्येक अपने कार्य में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और इस स्वतंत्रता में कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किसी अन्य अंग का, और ना ही किसी अन्य अंग का हस्तक्षेप होगा, और ना ही कोई अन्य अंग इसे किसी भी रूप में दबाव डालने का प्रयास करेगा। तो उसी को आज हम पढ़ रहे हैं कि किस रूप में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों की चयन प्रक्रिया भिन्न भिन्न। शासन के तीन अंग हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का प्रधान कौन होता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भारत के अनुसार। तो ये जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य की जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी है? भारत के ही समान है। किस रूप में? भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनकी सदस्यों का चुनाव होता है, तो अमेरिका में भी यही व्यवस्था है, लेकिन भारत में राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इतनी अधिक प्रभावी नहीं है। लेकिन अमेरिका में सीनेट हो या प्रतिनिधि सभा, दोनों के लिए ही प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दूसरा जो है अंग, जिसकी हम बात करते हैं, कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और तीसरा जो भाग है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, उसका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाता है? जिसे सीनेट ने मनोनीत किया है, उसी का नाम राष्ट्रपति नामित कर देता है। तो इस तरह से शासन के तीनों अंगों की जो चयन प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है, वही इसके प्रयोग की शक्ति है। सरकार के तीनों अंगों को स्वतंत्रता को तीनों अंगों की स्वतंत्रता को अधिक से अधिक रूप में सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। नंबर एक, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों की चयन प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। अमेरिका में व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस की जो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। याद रहे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में अलग प्रकार की व्यवस्था है, और अमेरिका में निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है।
और तीसरा जो भाग है न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कौन करता है, जो सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सीनेट यानी उच्च सदन के द्वारा जिस भी व्यक्ति का नाम नामित होता है उसी व्यक्ति की नियुक्ति न्यायाधीशों के रूप में कर देता है राष्ट्रपति। अर्थात अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन व मनोनयन की पद्धति सोच समझकर जानबूझकर अपनाई थी ताकि सरकार के तीनों अंगों की प्रवृत्ति अलग अलग बनी रहे। कि तीनों जो अंग हैं उनकी प्रवृत्तियां अलग हो गई, कि व्यवस्थापिका की प्रत्यक्ष हो गई, कार्यपालिका की परोक्ष हो गई और सर्वोच्च न्यायालय की यानी न्यायपालिका की कैसी हो गई, मनोनयन द्वारा होती है। तो ये तीनों की तीनों भिन्न भिन्न जो प्रवृत्तियां हैं वही चयन की प्रवृत्तियां इन शासन के तीनों अंगों में पर्याप्त भिन्नता बनाए रखती है। अगला है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। इसका अर्थ क्या होता है कि अमेरिका का नागरिक जिसने व्यवस्थापिका को ज्वाइन कर लिया वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का सदस्य नहीं बन सकता, जिसने कार्यपालिका को ज्वाइन किया है तो वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नहीं कर सकता, उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जो अन्य दो अंग है उनके भी सदस्यों के साथ यही प्रावधान है कि शासन के तीनों अंगों में से किसी एक का चयन ही क्या होगा वह कर सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। कोई भी अमेरिकी नागरिक शासन के विभिन्न अंगों में से अर्थात सरकार की केवल एक ही अंग की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है, ऐसा प्रावधान वहां पर विशिष्ट रूप में। वाकई ये सच्चाई भी है कि जिस व्यक्ति को संसद की कार्यवाहियों का ज्ञान है वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे कानूनों की इतनी जानकारी नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे आते हैं, जो कानून के तहत चलते हैं या संविधान के भरे हिसाब से चलते हैं उसे उतनी जानकारी नहीं होती। तो वो उस कार्य को पर्याप्त निष्पक्षता से या अपनी प्रतिभा का जो उसका है प्रतिभा है उसका वो प्रदर्शन नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है अलग अलग कार्यकाल। शासन की जो तीनों अंग है उनकी चयन प्रक्रिया भिन्न है, सदस्यता का प्रावधान केवल एक ही अंग में है तो उनका कार्यकाल भी अलग अलग है। जैसा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। याद रहे हमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जो तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो अमेरिका में जीवन पर्यंत रहता है, यानी जब तक वो जीवित है तब तक वो कार्य कर सकते हैं और यदि वो ना चाहें किसी भी विशेष परिस्थिति के दौरान जैसे वो कार्य करने में असमर्थ हैं तो वो जब तक त्यागपत्र ना दे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्य कर सकता है, ऐसा वहां की व्यवस्था संविधान के अनुसार की गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत है, वह जब तक वे स्वयं त्यागपत्र न दे दें तब तक रहता है। तो इस तरीके से पर्याप्त भिन्नता है इस प्रक्रिया में भी शक्तिकरण के प्रयोग में। शक्तिकरण के प्रयोग में अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भिन्नता। उत्तरदायित्व का अर्थ जिम्मेदारी, कि जैसे हमको ज्ञात है कि
प्रतिनिधि सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करता है? जनता। तो जनता जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है प्रतिनिधियों का, तो वो प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायित्व है? उनका जनता के प्रति। तो वो साधारण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायित्व उसका होता है। तो राष्ट्रपति नाम से जाहिर है, क्या? राष्ट्र का पति। तो वो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है, उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व बनता है। और यदि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके प्रति डेडिकेट करता है उत्तरदायित्व है? वो संविधान के अनुसार कार्य करता है, तो वो संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। तो तीनों ही जो अंग हैं उनके उत्तरदायित्वों में भी पर्याप्त भिन्नता है। प्रतिनिधि सभा अपने मतदाताओं के प्रति, सीनेट अपने सदस्य राज्य के प्रति, राष्ट्रपति अपने राष्ट्र के प्रति और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जब उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भिन्नता है, कार्यकाल भिन्न भिन्न है, एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है, उनकी चयन प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न है, तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की प्रयोग में लाई जाती है। और इसी वजह से वहाँ का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो दिखाई बनाया गया है वो परफेक्ट रूप में दिखाई भी देता है। इसी का अगला टॉपिक है अवरोध व नियंत्रण सिद्धांत। ये तो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है, पर सिद्धांत क्या कहता है? तो सिद्धांत बताया गया है पहला कि विधायी क्षेत्र में अवरोध व संतुलन की व्यवस्था है, क्योंकि तो हमने ये पढ़ा है कि सिर्फ अवरोध ही नहीं है बल्कि अवरोध के साथ साथ नियंत्रण भी है और एक संतुलन की भी वहां पर व्यवस्था है, ताकि सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र रहें, निष्पक्ष रहें व कार्य कुशल रहें। इसीलिए इस सिद्धांत को अपनाया गया है। तो विधायी क्षेत्र में अवरोध व संतुलन की व्यवस्था क्या है? कि कांग्रेस एकमात्र विधि निर्मात्री शक्ति है। हमें ज्ञात है कि संसद ही कानून बनाने का कार्य करती है, तो संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस एकमात्र विधि निर्मात्री शक्ति है, लेकिन विधि निर्माण के लिए कांग्रेस को दोनों सदनों की अलग अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति की निषेधाज्ञा व न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति द्वारा नियंत्रित होना पड़ता है। तो ये सर्वमान्य है कि संसद यानी कांग्रेस क्या है? कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है, लेकिन कांग्रेस को कार्य करने से पूर्व दोनों सदनों की स्वीकृति उसके लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति उसे निषेधाज्ञा देकर वीटो पावर का प्रयोग करके विलंबकारी वीटो पावर उसके पास है, जे भी वीटो पावर उसके पास है, वो किसी भी शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को रोक सकता है या परिवर्तित कर सकता है या रद्द कर सकता है, ये उसका अधिकार है। और तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के द्वारा उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनः जांच करता है और जांच के बाद उन समस्त कार्यों को पूर्ण निरीक्षण के बाद ही उस पर कार्यवाही अग्रिम कार्यवाही होती है। तो इस तरीके से जो विधायी क्षेत्र में है पूर्ण रूप से अवरोध भी है और संतुलन की भी व्यवस्था अमेरिका के सिद्धांत में है। अगला पॉइंट है न्यायिक क्षेत्र में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। कि न्याय के क्षेत्र में वो कौन कौन से नियंत्रण है और कौन कौन से संतुलन है उसे अब हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां भी संतुलित है, जैसे राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कानून कौन बनाएगा?
राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है लेकिन कानून नहीं बना सकता, वो कौन बनाता है? कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह धन का व्यय कर सकता है कि राष्ट्रपति अवश्य सर्वोच्च पदाधिकारी है लेकिन वो कोई भी धन विधेयक हो या कोई भी अमेरिका की निधि हो, राष्ट्रीय निधि, उसको व्यय करने से पूर्व उसे कांग्रेस की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे पद मुक्त करने का अधिकार सीनेट रखती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का अनुसमर्थन उसे आवश्यक होता है कि किसी भी समय राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है कांग्रेस द्वारा तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति संधियां व उच्च पदों की नियुक्ति करते समय सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही वह उन नियुक्तियों और संधियों को पूर्ण कर सकता है, उन पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो न्यायिक क्षेत्र में भी संपूर्ण नियंत्रण बना हुआ है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होने के बावजूद भी उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति पर कभी भी संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है और उसे पदमुक्त किया जा सकता है। और यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कि राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसा वो नहीं है कि वो संधियां या समझौते जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते हैं या उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो सीनेट के सहयोग के बिना कर ले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसे हर समय सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अगला है कांग्रेस के दोनों सदन एक दूसरे से नियंत्रित। कौन कौन से सदन? प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन और सीनेट यानी उच्च सदन, दोनों ही एक दूसरे से नियंत्रित रहते हैं। कैसे? पढ़ लेते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा को लगभग लगभग समान शक्तियां प्राप्त है, अतः प्रतिनिधि सभा व सीनेट भी एक दूसरे से नियंत्रित रहती हैं। कि जो शक्तियां प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है वो ही शक्तियां सीनेट को भी प्राप्त है, और जब भी कभी कोई विधेयक पारित होता है तो उसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, अलग अलग। यदि एक सदन में पारित हो गया दूसरे में नहीं हुआ तो वो कानून का निर्माण आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। तो दोनों सदनों में एक दूसरे पर दोनों सदनों में अलग अलग स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है, और इसीलिए दोनों सदन एक दूसरे से नियंत्रित रहते हैं और नियंत्रण के बाद ही वो अग्रिम कार्यवाहियां कर पाते हैं। अंतिम है इसका पॉइंट, संघीय सरकार व राज्य सरकार भी एक दूसरे से नियंत्रित। हमें ज्ञात है कि अमेरिका का संविधान में ये व्यवस्था है कि केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है। दोनों के संविधान अलग अलग होने में की वजह से पर्याप्त भिन्नता होना बिल्कुल ही जायज है, और उस वजह से वो एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं उसे अब हम पढ़ लेते हैं। अमेरिकी संविधान में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। कि जब कभी भी अमेरिकी संविधान में कोई परिवर्तन होता है या किसी भी प्रकार का कोई संविधान ऐसा प्रावधान करता है जिसका संबंध पूरे अमेरिका से हो, तो उस समय उसे मतलब अन्य राज्यों से
यानी 51 राज्य हैं वहां पर, तो 51 राज्यों का में से 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार यूएसए में के संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सभी दोषों को दूर करने के लिए नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत को अपनाया था। ब्राइस ने अपने कोटेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अमेरिका के संविधान में शक्ति संतुलन सिद्धांत इतने वर्षों से बना हुआ है और अभी तक उसे कहीं भी आंच नहीं आई है। तो क्या है ब्राइस की कोटेशन, पढ़ते हैं कि शक्ति का पूर्ण स्रोत जनता का प्रभुत्व है, जो सदा भरा हुआ और अपने गहरे स्रोत से पानी लेता हुआ बहता रहता है। इसके पश्चात वह अनेकों नहरों में बट जाता है। प्रत्येक नहर इतनी कुशलता से बनाई गई है और तटबंधों से बंधी हुई है कि पानी ऊपर से नहीं निकल सकता, तथा न्यायालय के जागृत हाथ किनारों से उस स्थान पर मरम्मत करने के लिए सदैव तत्पर है जहां से धारा के टूट जाने का भय रहता है। तो इस तरीके से उसने अपने कोटेशन के माध्यम से ये पूर्ण रूप से समझा दिया हमें कि किस रूप में जनता पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होती है, कि जनता की प्रभुत्व शक्ति सदा बहती रहती है, उन्हें आगे जाके वो नहरों में डिवाइड हो जाती है, यानी सरकार की 3 प्रमुख अंगों में उसका विभाजन हो जाता है, और उसके बाद वो तटबंध इतने मजबूती से बंधे हुए हैं कि उनके टूटने की संभावना न के बराबर है। और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो तट कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, किसी भी कारणवश टूट जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय सदा उस स्थान पर विशेष ध्यान देता है जहां से उन तटबंधों के टूटने की संभावना है, तो वो उसे मरम्मत करने के लिए सदैव तत्पर रहता है और नागरिकों का संरक्षण करता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग किस रूप में किया जाता है और अवरोध नियंत्रण सिद्धांत किस रूप में अपनाया जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल किसी न किसी रूप में ये अवश्य आता है, बड़े प्रश्नों में आता है। बहुत अच्छा है, आपको तैयार करना है। और कई बार जब बड़े प्रश्नों में, जैसे लास्ट ईयर आ चुका है, इस बार नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एंट्री होती है 2 और 5 नंबर के प्रश्नों में, जो छोटे छोटे प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके। तो आपको अच्छे से इस लेसन को पढ़ना है और इस लेसन के साथ साथ इस टॉपिक को तो विशेष ध्यान से पढ़ना है।